हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों, आपका स्वागत है। SY BCOM सेमिस्टर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टॉपिक के अंदर बच्चों मेनली सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आज कुछ अलग प्रकार के सम आपके करवाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आप करोगे सम नंबर 24, होमवर्क में 40, पेज नंबर 47, और सम का नाम है बच्चों नवयुग लिमिटेड। सम का नाम भी लिख रहा हूँ, जिससे कोई बाहर से हो तो उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक कैल्सी और फुल बुक के साथ रेडी हो जाओ। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। नवयुग ट्रैवल ऑन द बस विच रन बिटवीन सूरत एंड मोरबी 20 डेज इन अ मंथ। वन डे इट गोज टू मोरबी एंड नेक्स्ट डे इट रिटर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन जाती है मोरबी, दूसरे दिन वापस आती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सूरत टू मोरबी 450 किलोमीटर। फ्रॉम द रेस्ट डे मंथ इट टेक्स 12 लोकल राउंड ट्रिप्स। अंडरलाइन करो 12 लोकल राउंड ट्रिप। द डिस्टेंस कवर्ड इन अ लोकल राउंड ट्रिप्स 5 किलोमीटर। ऑन आउटवर्ड ट्रिप द बस इज जनरली ऑक्यूपाइज 80% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। ऑन रिटर्न सूरत इज फुल ऑक्यूपाइड, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ बस इज 50 पैसेंजर। फिर नीचे अप्रैल 2007 में आपके पास किलोमीटर है और पैसेंजर है। बस इज अंडर रिपेयरिंग फॉर 5 डेज। फिर नीचे इन्फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर की 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट पैराग्राफ, नवयुग ट्रैवल वॉन्ट्स टू अर्न 40% प्रॉफिट ऑन टेकिंग सर्विस टैक्स 10%। कैलकुलेट पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट। अब बच्चों आपको बताए, जब भी पैसेंजर किलोमीटर में कॉस्ट काउंट करनी हो बच्चों, सबसे पहले आपके पास होने चाहिए पैसेंजर किलोमीटर नज़र बोर्ड पे। अब मैं आपके लिए सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रहा हूँ पैसेंजर किलोमीटर, जिसका फॉर्मूला है डिस्टेंस इनटू कैपेसिटी इनटू ट्रिप्स इनटू डेज। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों डिस्टेंस जैसे फॉर्मूला लिखने गए बच्चों, आओ मेरा ध्यान जा रहा है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, बराबर ध्यान से देखना। पैसेंजर किलोमीटर की गिनती करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान से देखो। अब मैं रीडिंग कर रहा हूँ फर्स्ट पैराग्राफ, नवयुग ट्रैवल ऑन द बस विच रन्स बिटवीन सूरत एंड मोरबी फॉर 20 डेज इन अ मंथ। टोटल सूरत और मोरबी के बीच 20 दिन चलती है। वन डे इट गोज टू मोरबी एंड नेक्स्ट डे इट रिटर्न टू सूरत। अब 20 दिन में जनरली बच्चों गाड़ी एक दिन जाती है और एक ही दिन में वापस आती है, पर यहाँ एक दिन जाती है और दूसरे दिन वापस आती है। इसका मीनिंग 10 दिन मोरबी के और 10 दिन सूरत के। तो ऑन आउटवर्ड, आउटवर्ड के अंदर बच्चों सूरत टू मोरबी किलोमीटर है आपके पास 450। कैपेसिटी है फॉर द रेस्ट डे इन द मंथ इट मेक 12 लोकल राउंड ट्रिप्स। ऑक्यूपेंसी है 80%, 50 पैसेंजर बच्चों उसका 80%, दैट मीन्स 40 पैसेंजर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समय बच्चों ट्रिप्स। द डिस्टेंस ऑफ सूरत द रेस्ट ऑफ द डेज मंथ 12 लोकल, द डिस्टेंस कवर्ड लोकल राउंड ट्रिप 5। ट्रिप कितनी हुई बच्चों? वन डे इट गोज टू मोरबी, सेकंड डे इट रिटर्न, यानी ट्रिप तो एक ही हुई। और दिन यहाँ 20 नहीं लेने बच्चों, 10 लेने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 450 इंटू 40 इंटू 1 इंटू 10 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 180,000 पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, वन इट गोज टू मोरबी एंड रिटर्न, रिटर्न में वापस आए बच्चों तो सेम किलोमीटर 450, पैसेंजर भी सेम रहेंगे 40, ट्रिप भी वही रहेगी मेरे ख्याल से और डेज भी वही रहेंगे। यस, हाँ, पैराग्राफ बच्चों पढ़ रहा हूँ सेकंड। ऑन आउटवर्ड ट्रिप जनरली ऑक्यूपाइज 80%, बट इन रिटर्न ट्रिप फुल ऑक्यूपाइड। ओ, रिटर्न में बच्चों फुल, यानी पूरे 50 पैसेंजर। वन ट्रिप अने 10 डेज, मल्टीप्लाई करो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों सेकंड में वैल्यू आएगी 225,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया रिटर्न। जाते समय मोरबी, मोरबी जा रहे हो आप, आते समय रिटर्न सूरत, और थर्ड लोकल। अब लोकल के अंदर बच्चों तीसरे टेबल में मेरे पास किलोमीटर है अने पैसेंजर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएंगे। हाँ, 1 किलोमीटर इंटू 2400 पैसेंजर यानी 2400, 2 इंटू 2000 यानी
दो दो 4000, उसके बाद 3 × 2200 6600, 4 × 2500 यानी 10000, 5 × 2400 यानी टोटल 12000। और जैसे बच्चों इसका टोटल करोगे आई थिंक 35000 आएगा। ये बच्चों बहुत ही क्रिटिकल समय नव्यू, अब लोग आराम से देखना बच्चों। अब मेरे पास यस टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स इक्वल टू 180 प्लस 225 प्लस 35000 ऑफ लोकल इक्वल टू मेरे ख्याल से टोटल आएगा बच्चों 4,40,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों कहीं ना कहीं मुझे जरूरत पड़ती है ओनली किलोमीटर की, तो उसमें आउटवर्ड रिटर्न एंड लोकल नजर बोर्ड पे बच्चों लगातार बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। अब आउटवर्ड में कैसे गिनोगे बच्चों, तो आउटवर्ड के टाइम पे मेरे पास डिस्टेंस कितना है, खाली कैपेसिटी काटना खानी। ओनली किलोमीटर का फॉर्मूला है डिस्टेंस इनटू ट्रिप्स इनटू डेज। चलो आउटवर्ड में डिस्टेंस 450, रिटर्न में भी 450 किलोमीटर 450 पैसेंजर लेने नहीं, ट्रिप वन इंटू टेन जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आई थिंक 4500 आएगा। यस और लोकल के अंदर बच्चों लोकल माटे वो फर्स्ट पैराग्राफ आज जो आखो दाखलो कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 रीडिंग करजो तो खबर पड़े बाड़को, साउथ नो समझे, नॉट अ गुजरात यूनिवर्सिटी सम। लोकल के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे 12 लोकल राउंड ट्रिप दिख रही है और 5 किलोमीटर लोकल का डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर 12 ट्रिप। अब लोकल में तो क्यों बाड़ा को गाड़ी अंदर अंदर फरती है, तो लोकल में राउंड ट्रिप लिखा हो कि ट्रिप, उसमें हमेशा ट्रिप ही लेनी है 12 ट्रिप, उसको मैं 24 डबल नहीं कर सकता। अब डेज कितने लो बच्चों, तो वो इम्पोर्टेंट है यहाँ, डेज कितने लो कौन बोलेगा, तो लोकल के अंदर डेज नहीं दिए बच्चों। अब डेज कैसे लोगे, तो नॉट लोकल ट्रिप डेज, वो कैसे निकालोगे, तो ये पूरा सम है बच्चों मेरे ख्याल से अप्रैल का। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, उसमें से आप देख सकते हो 10 दिन मोरबी के, 20 दिन मोरबी एंड सूरत, अने 5 डेज रिपेयरिंग के हैं। यस मिले, हाँ 5 डेज रिपेयरिंग के हैं, तो अब 30 में से 20 और 5 25 गए बच्चों। यस तो लगभग आएंगे 5 डेज। यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीप्लाई करोगे 12 × 5 = 300 यानी 9300 इज द मैजिकल फिगर ऑफ लोकल ट्रिप किलोमीटर, ठीक है। टोटल 9300 ओनली किलोमीटर बच्चों, पहली बार ऐसा हो रहा है बच्चों कि सम को आप बोर्ड पे देख सकते हो, स्टेटमेंट के अंदर अभी स्टेटमेंट बना ही नहीं है, ओनली पैसेंजर किलोमीटर किलोमीटर में बोर्ड भर गया है। वीडियो पोस्ट डाउन कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों वीडियो पोस्ट करके आपने लिख लिया होगा, अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। चलो नजर बोर्ड पे बच्चों, चलो सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, मंथली सम है अने पर पैसेंजर किलोमीटर, और पैसेंजर किलोमीटर बच्चों हमने फाइंड की है 4,40,000। यस और यहां आएगा ए फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है बच्चों। चलो रेडी हो जाओ, मैं आपके सामने वर्किंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। अदर इंफॉर्मेशन में आ जाओ, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बस, एस्टिमेटेड लाइफ, ये डेप्रिसिएशन के लिए डीजल वेरिएबल, रिपेयरिंग वेरिएबल, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यस बच्चों अब इसके अंदर सीधा आपको टोटल
फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 48,400 को आप जैसे डिवाइड करोगे 440 से वैल्यू आएगी 0.11। अब बच्चों कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम वेरिएबल, उसके अंदर सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है बच्चों कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कॉस्ट मुझे दिखाई दे रही है बस की 15 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0 और लाइफ है बच्चों 12 लाख किलोमीटर। जैसे आप इससे डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 1.25 पर किलोमीटर। और जब भी वैल्यू किलोमीटर में आए बच्चों हम बाहर नहीं रख सकते, मुझे पैसेंजर किलोमीटर में आंसर चाहिए तो किमी के सामने किमी। तो टोटल किलोमीटर हमने फाइंड किए थे आगे की स्लाइड में 9300, इससे मल्टीप्लाई करो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 11625 और 11625 को 440 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.0264। चलो उसके बाद बच्चों मैं पेज घुमा रहा हूँ, आएगा डीजल ऑयल। नज़र बोर्ड पे डीजल ऑयल जिसके अंदर बोला है एक किलोमीटर का 3.80 किलोमीटर का 3.80 रुपीज, तो टोटल 93 किलोमीटर का हाउ मच। जैसे आप पद रखोगे बच्चों वैल्यू आएगी 35340 और इसको डिवाइड करोगे 440 से तो वैल्यू आएगी 0.0803। ठीक है, अब डीजल के बाद बच्चों हम लेने जा रहे हैं थर्ड नंबर में, इस तरफ मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ स्टेटमेंट को साइड में। रिपेयर्स, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं बच्चों, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर है बच्चों 60% ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आया बच्चों 11625 डेप्रिसिएशन, उसका आप 60% एग्जैक्ट ले लो। जैसे आप डेप्रिसिएशन का 60% लोगे बच्चों 6975 वैल्यू आएगी और इस तरफ डिवाइड करोगे 440 से तो पर पैसेंजर किलोमीटर वैल्यू आएगी 0.0159। ओके, चलो उसके बाद चार नंबर में बच्चों एन्यूअल एक्सपेंस ऑफ रिप्लेसिंग टायर ट्यूब। टायर ट्यूब एक्सपेंसेस 39120 एन्यूअल है बच्चों, डिवाइड बाय 12 करो। जैसे डिवाइड बाय 12 करोगे 3260 इसकी वैल्यू आएगी। 3260 का 440 से डिवाइड करोगे तो पर पैसेंजर किलोमीटर 0.0074 आई थिंक आएगा, फिर भी बच्चों आप लोग चेक कर लेना, कोई दिक्कत ना हो। जैसे अब बच्चों आप टोटल करोगे यहाँ ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट नज़र बोर्ड पे, और फिर आएगा बच्चों टोटल कॉस्ट एंड पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और इक्वल टू नीचे हो जाएगा बच्चों यहाँ फेयर, या इसे कहा जाता है रेंट। ठीक है, कोई भी नाम से आप पहचान सकते हो। यहाँ तक मुझे जाना है वेरिएबल कॉस्ट का टोटल बच्चों करोगे, आई थिंक वेरिएबल नहीं बच्चों यहाँ तो कंटिन्यूस टोटल ही मिल जाएगा। यस, यहाँ आपको कंसिस्टेंट टोटल मिलेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक ही है। यस, कंटिन्यूस टोटल करोगे तो वैल्यू आएगी 105,600। बाजू में डिवाइड करोगे तो आएगा 0.24। फिर उसमें ऐड करोगे प्रॉफिट 40% ऑन टेकिंग और उसके बाद बच्चों यहाँ सम कंटिन्यू होगा तो आपको मिलेगा फेयर या टेकिंग और उसके ऊपर 10% सर्विस चार्ज। ये ऐड करोगे तो नीचे मिलेगा नेट फेयर या टेकिंग। ओके, यहाँ तक हमें जाना है। अब बच्चों मैं लास्ट पैराग्राफ रीडिंग कर रहा हूँ। नवयुग ट्रेवल्स वांट टू अर्न 40% प्रॉफिट ऑन टेकिंग। बोलो टेकिंग्स या आंसर पे प्रॉफिट मांगा क्या करूँ ना हो तो, सपोज टेकिंग या फेयर 100 रुपये, उस पर कितना प्रॉफिट 40, माइनस करो तो कॉस्ट कितनी 60। अपद रखो 60 पे 105,600 कॉस्ट, तो 100 पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों मेरे ख्याल से फेयर आएगा
176,000, यस। और जैसे 176 आया उसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इसका 40% निकालो। अब जैसे 40% निकालोगे 70,400, 176 को आप 440 से डिवाइड करोगे, वैल्यू आएगी 0.40। और यहाँ उसका क्वेश्चन मार्क निकालोगे तो आएगा 0.16। अब बच्चों इसके ऊपर 10% सर्विस टैक्स 17,600, 0.04 ऐड करोगे तो 0.44 आएगा और 193,600 आएगा। तो नवयुग बच्चों अच्छा समय, उसका रीज़न यही है। अब नवयुग का मैं लास्ट पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ बच्चों। अगर इतना सम करोगे तो 14 में से 12 मार्क मिलेंगे, 2 मार्क कट होएंगे। छिल्ली लाइन पेज नंबर 48, कैलकुलेट पोस्ट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हो गया एंड बस फेयर टू बी चार्ज टू ईच पैसेंजर गोइंग टू मोरबी। ये है आंसर नंबर 2, बस फेयर फॉर ईच पैसेंजर टू मोरबी। एक पैसेंजर अगर मोरबी जाता है तो उसका बच्चों फेयर ढूंढना है। देखो अब एक बंदा मोरबी जाता है तो कितने किलोमीटर चलेगा, 450 किलोमीटर। पैसेंजर कितने हुए, 1 पैसेंजर। ट्रिप कितनी हुई, 1 ट्रिप। और फेयर कितना हुआ, और फेयर हुआ बच्चों आपके सामने है 0.44, जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आई थिंक एक पैसेंजर की वैल्यू आएगी 198। आप चेक कर सकते हो बच्चों, दिस इज कॉल नवयुग लिमिटेड। ऑसम क्वेश्चन बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और पूरा सब नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, कुसुम बहन कड़े किया। सर नंबर 26, इलुस्ट्रेशन 9, गुजरात यूनिवर्सिटी 19 में आ चुका है। मोस्ट आईएमपी 100% एग्जाम के लिए, पेज नंबर 49। कुसुम बहन कड़किया, ऑकवर्ड नेम बच्चों, ध्यान देना बराबर। रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक सामने रखना। कुसुम बहन कड़किया ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ अ 3 बसेस विच आर यूज्ड टू कैरिंग स्टूडेंट टू कड़टी कॉलेज फ्रॉम अंकलेश्वर। कॉलेज के बच्चों को ले जाती है, कवरिंग अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। ईच बस मेक 2 राउंड ट्रिप्स अ डे एंड कैरिड 56% इन अ सिंगल ट्रिप। सिंगल ट्रिप अंडरलाइन करो। All the buses were 25 days in a month. From the following are the expenses from which you are required to find out cost per passenger kilometer per bus. छपाई नदी पैंथी ऐड करो, per passenger kilometer per bus for कड़किया ट्रांसपोर्ट कंपनी। नीचे फिर एक्सपेंडिचर और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है। चलो बच्चों अब मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ बराबर ध्यान से देखना। सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पैसेंजर किलोमीटर, कड़किया ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस इंटू कैपेसिटी इंटू ट्रिप्स इंटू डेज। चलो नजर बोर्ड पे, सबसे पहला पैराग्राफ, कुसुम बहन कड़किया कंपनी हैज़ अ 3 बसेस विच आर कैरीड स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर। डिस्टेंस बोलो 10 किलोमीटर, सही है बच्चों बराबर ध्यान देना, हाँ 10 किलोमीटर, यस yes। उसके बाद कैपेसिटी, वही पैराग्राफ में 56 पैसेंजर ले जाए सिंगल ट्रिप में, कितने 56 पैसेंजर इंटू ट्रिप्स। त्रिजी लाइन जो ईच बस में 2 राउंड ट्रिप बोला है बच्चों, ईच बस 2 राउंड ट्रिप, पण ते प्रिंटिंग मिस्टेक छे अथवा ए लोको सिंगल ट्रिप कीधु छे एटले एक ज वार लई जाय छे, नक्की छे। जो एक बाजू कहे छे 2 राउंड ट्रिप और एक बाजू कहे छे ईच बस इन अ सिंगल ट्रिप, तो सिंगल ट्रिप लिखा है बच्चों, तो 2 राउंड ट्रिप में राउंड वर्ड गलत है, उन्होंने 2 ट्रिप ही ली है, ठीक है। अहीं लेवानी छे 2 ट्रिप, ए लोकोनी प्रिंटिंग मिस्टेक समझो बच्चों अथवा वाक्य रचनानी खामी। सिंगल ट्रिप नो अर्थ थाय 2 ट्रिप अने एक बाजू 2 राउंड ट्रिप लगाजे, એટલે 2 राउंड ट्रिप ले 4 ट्रिप, तो जवाब आवशे नहीं, तो वो लोग की गलती है, ठीक है ध्यान रखना। तो सिंगल ट्रिप बोलाओ तो 2 राउंड ट्रिप बोलाओ तो भी ट्रिप ही लेना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, पूरे चैप्टर का सरदर्द है राउंड ट्रिप में ट्रिप, क्लियर लिखे ना એટલે बच्चों कन्फ्यूज, पर मैंने आपको बता दिया सिंगल ट्रिप लिखा है इसका मीनिंग क्या लोगे 2 ट्रिप, यस। और उसके बाद दिन, तो वही पैराग्राफ में वर्किंग के हैं 25 दिन। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 28,000, 28,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, यस। और कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी ओनली किलोमीटर, जिसमें मुझे 10 किलोमीटर लेना है, पैसेंजर को निकाल दो, 2 ट्रिप अने 25 दिन, 25 दो 50 इंटू 10, 500
ओनली किलोमीटर मेरे ख्याल से आएंगे। मैं चेक कर लूँ बच्चों, ऐसे आप लोग भी आंसर चेक कर लीजिए, मैं भी टेक्स्ट बुक में चेक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है कि नहीं, जरा भी दिक्कत नहीं है। चलो अब बच्चों स्टेटमेंट में प्रिपेयर करूँ आपके सामने। स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ओके। ये हो गया फॉर्मेट, ठीक है। चलो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, सब मंथली है अने पर पैसेंजर किलोमीटर, यहाँ पैसेंजर किलोमीटर आया बच्चों 28,000 जो मैंने टॉप पे लिख दिए। सबसे पहले ए फिक्स्ड कॉस्ट, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो पहली प्रिंटिंग मिस्टेक, तो राउंड ट्रिप लिखा है एक तरफ और एक तरफ लिखा है सिंगल ट्रिप, तो जहाँ सिंगल ट्रिप लिखा हो बच्चों तो ये राउंड वन निकल जाता है, ठीक है, इसका मीनिंग दो ट्रिप ही लेना है। सेकंड, उन्होंने पर पैसेंजर पर बस कॉस्ट फाइन करने का बोला है, पर उसमें पर बस छपा नहीं है, ये ध्यान रखना, बराबर। आप प्रिंटिंग मिस्टेक जो बाड़ा को जोई लो, पर बस आंसर मांगे जा क्लियर लिखी नहीं, तो जहां जहां तीन बस का खर्च होगा डिवाइड बाय थ्री, जहां एन्युअल होगा डिवाइड बाय 12, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्या है क्लियर लिखू नहीं, पर मैंने आपको समझाया। पहला पॉइंट शुरू प्रॉब्लम, सैलरी ऑफ ड्राइवर, तीन ड्राइवर पर मंथ 15,000, ये 15,000 पर मंथ है बच्चों, पर तीन ड्राइवर यानी कितने बस के होंगे, तीन बस के, तो डिवाइड बाय थ्री बस करो, वैल्यू आएगी 5,000 पर बस, हमें लेना है ध्यान रखना पर बस, सैलरी ऑफ क्लीनर तीन किला है 12,000 डिवाइड बाय थ्री बस, क्योंकि हमें चाहिए एक बस का 4,000। उसके बाद डीजल वेरिएबल रोड टैक्स, अब रोड टैक्स में बच्चों थोड़ा गेम खेल रहे हैं, पर पैसेंजर दिया है 5 रुपये ना, चले पर पैसेंजर दिया है 5, तो पैसेंजर कितने हैं बच्चों, पर डे पर पैसेंजर 56 पैसेंजर है, और टोटल डेज कितने हैं 25, पर डे 5 56 पैसेंजर इंटू 25 करो, तो बच्चों जैसे मल्टीप्लाई करोगे रोड टैक्स की वैल्यू आएगी 7,000। नेक्स्ट पॉइंट लाइसेंस फी पर बस पर है ना, चले लाइसेंस फी पर बस बराबर है बच्चों पर ईयर है, इसलिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 12, जैसे करोगे वैल्यू आएगी 2,000। गैरेज रेंट टोटल पर एनम ना चले, अब इसमें देखो मैं चेंज कर रहा हूँ बच्चों, गैरेज रेंट है 72,000 डिवाइड बाय 12 करोगे तो मंथली आएगा 6,000, पर ये तीन बस का है तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो आएगा 2,000, में चेकिंग कर लो बच्चों, यस एकदम सही है। उसके बाद इस तरफ मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ 6 नंबर में, यस इंश्योरेंस, उसके अंदर बोला है 5% ऑन व्हीकल कॉस्ट, पहला पैराग्राफ में क्या नीचे है, यानी नीचे जो व्हीकल की कॉस्ट आ भी जाए 30,00,000 रुपये, 30,00,000 व्हीकल की कॉस्ट, उसके ऊपर 5% बोला है, 30,00,000 का 5% लोगे तो वैल्यू आएगा 1,50,000, पर वो पर एनम है, डिवाइड बाय 12 करोगे तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 12,500, और जैसे बच्चों आप कंटिन्यूस टोटल करोगे ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट, और जिसकी वैल्यू है 32,500, और अगर 32,500 रुपये को आप 28,000 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू आएगी 1.1964, ये हो गया पर पैसेंजर किलोमीटर वैल्यू। अब मुझे चाहिए बच्चों 2 नंबर में बी वेरिएबल कॉस्ट, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट मेरा ध्यान जा रहा है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस 30,00,000, स्क्रैप वैल्यू 3,00,000, और उसके बाद है बच्चों लाइफ 10 ईयर, जैसे आप डिवाइड करोगे 27,00,000 डिवाइड बाय 10
10 करोगे तो 270,000 आएगा। पर यार ली डिवाइड बाय 12 महीने करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 22,500, और 22,500 को 28,000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.8036। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों डेप्रिसिएशन की वैल्यू लाइन में पढ़ते पढ़ते, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन लाइव किया, 270 पर एनम आया, पर एनम को मैंने कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 12 करके मंथली। लाइन में देखते जाओ, टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। आगे जाते हैं, मेंटेनेंस चार्ज 50% ऑफ डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर। अब मैं लेने जा रहा हूँ मेंटेनेंस एक्सपेंस 22,500, डेप्रिसिएशन उसका 50% ले लो। 22,500 का 50% लोगे बच्चों तो डेप्रिसिएशन आएगा 11,250, और 11,250 को जैसे 28 से डिवाइड करोगे पर पैसेंजर किलोमीटर 0.418। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सम के अंदर, नेक्स्ट लाइन में आई थिंक डीजल है, मिडल में डीजल छोड़ दिया मैंने। डीजल चार्ज पर लीटर 35 रुपये था, ध्यान देना बच्चों। यस, DIESEL डीजल 1 लीटर का 35 रुपये है चार्ज, बराबर ध्यान से देखना बच्चों। अब 1 लीटर का 35 रुपये है, और एग्जैक्ट लास्ट चार लाइन देखो, वहाँ लिखा है ईच बस कॉस्टिंग 30 लाख, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख, ईच बस रन 7 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में गाड़ी चलती है 7 किलोमीटर। तो 1 लीटर का 35 रुपये, तो 7 किलोमीटर का 35 रुपया, 7 किलोमीटर का 35 रुपये, तो टोटल किलोमीटर कितने थे 500 का। हाउ मच हुआ, आगे हमने गिना था स्लाइड में 500 किलोमीटर का हाउ मच, जैसे करोगे वैल्यू आएगी 2500, और 2500 को 28 से डिवाइड करोगे तो 0.0893, ये हो गया बच्चों आपका पर पैसेंजर किलोमीटर डीजल, डेप्रिसिएशन डीजल ये सब हो गया। अब बच्चों इसका टोटल करें, यस जैसे यहाँ टोटल करोगे वेरिएबल कॉस्ट रिसीव होगी 68750, हाँ अब फिक्स और वेरिएबल को ऐड करोगे, ये रहा फिक्स, ये दोनों का टोटल करोगे बच्चों तो नीचे आई थिंक ग्रांड टोटल आएगा, ये दोनों का टोटल, यस ये और ये मिलके आएगा मेरे ख्याल से 68750 नीचे आएगा बच्चों, मैं देख के लिख रहा हूँ तो मेरी गड़बड़ हो गया लिखने में, ऊपर आएगा 36250, और ये दोनों का मिलके 68750। इसमें ऐड होगा बच्चों प्रॉफिट, और जैसे प्रॉफिट ऐड होगा यू विल रिसीव फेयर और रेंट, और प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए उन्होंने लास्ट में बोला 1/5 ऑन कॉस्ट, कितना लेना है 1/5, एकदम इजी बच्चों। मैं चेक कर लूँ वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि नहीं, कई बार लास्ट में लाइन कट ऑफ हो जाती है। यस आई थिंक फेयर नीचे थोड़ा नीचे आ रहा और कट ऑफ हो जाएगा, यस। चल अब बच्चों मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो के अंदर आपको फेयर की वैल्यू कट ऑफ ना मिले, ठीक है। तो जैसे बच्चों यहाँ आप लिखोगे प्रॉफिट 1/5, वैल्यू आएगी 13750, और थोड़ा ऊपर ले लेते बच्चों, जैसे ऐड करोगे रेंट आएगा फेयर आएगा 82,500, ठीक है, और साइड में आएगा 2.455, यस यहाँ आएगा 2.455, फेयर आएगा प्रॉफिट 0.49। ये सब बच्चों में टोटल देख के लिख रहा हूँ, आप लोग चेकिंग कर लेना, एंड 2.946 इज द मैजिकल फिगर ऑफ फेयर। यहाँ सीधा बच्चों हमें फेयर गिनना था, ये हो गया आपका अफलातून सम, एकदम आराम से बच्चों देखिए, आप लोग के लिए मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ वीडियो, यस आप लोग नोटिंग कर लेना, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर एक और आंसर बाकी है, अगर आपको फेयर ना दिख रहा हो तो मैं साइड में लिख देता हूँ जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है। यस ये वैल्यू बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ फेयर की 82,500 अने 2.946, ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ टपका दिया, ठीक है। अब बच्चों एक और आंसर बाकी रह रहा है जो लास्ट पैराग्राफ में मांगा हुआ है, मैं यहाँ साइड में गिनती करने जा रहा हूँ, ठीक है, बराबर ध्यान से देखना। यस लास्ट पैराग्राफ,
कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूशन 60%, फ्रेट टू बी चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट, 1/5 प्रॉफिट टू बी एड, वॉट विल बी द स्टूडेंट पे पर मंथ टू कॉलेज एट अ ट्रांसपोर्ट? आंसर नंबर टू, वॉट विल स्टूडेंट पे मंथली चार्ज टू कॉलेज? कॉलेज को स्टूडेंट मंथली चार्ज में क्या पेमेंट करेगा वो आपको ढूंढना है, ठीक है? व्हाट विल द स्टूडेंट पे पर मंथ टू कॉलेज एज अ ट्रांसपोर्ट चार्ज? तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, सबसे पहले बच्चा कॉलेज जाएगा तो किलोमीटर कितने होंगे, 10 किलोमीटर। पैसेंजर यानी वन स्टूडेंट। ट्रिप कितनी लोगे? ट्रिप भी आएगी बच्चों मेरे ख्याल से वन ट्रिप, और एक महीना यानी 25 डेज, सही है? मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, 10 किलोमीटर वन स्टॉप 25 डेज, ठीक है? और जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, और लास्ट में बच्चों आपको लेना है इसको मल्टीप्लाई करके, थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ, इनटू वन ट्रिप इनटू 25 डेज इनटू फेयर, कितना फेयर है, 2.946 फेयर। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, मेरे ख्याल से एक एक का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, 25 × 10 500 हो जाएगा, 500 × 2946 मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 736.50। हाँ, इसके अंदर से कॉलेज पेमेंट करेगी 60%। आज ये वैल्यू हमारी कॉलेज कितना चुका उसे, कॉलेज 60% पेमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट विल पे, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 60% वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 441.90, और जैसे माइनस करोगे 294.60 इज द मैजिकल अमाउंट पेड बाय स्टूडेंट। फिर भी बच्चों मैं कैलसी से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास गिना हुआ है, मुझे थोड़ा डाउट है, 25 × 10 करोगे तो देखो मुझे लग रहा था ना बच्चों डाउट है, 250 आएगा, 10 किलोमीटर एक स्टूडेंट एक ट्रिप इंटू 25, यानी 250 × 2.946 इक्वल टू 736.50, जिसमें से 60% स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूशन किया, एकदम सही है बच्चों। पूरा वीडियो पोस्ट डाउन कीजिए और बच्चों पूरा सम नोट डाउन कर लीजिए। आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन 26 साउथ में से उठाया हुआ सम है। चलो अब बच्चों लेने जा रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव 9 हिंद ट्रांसपोर्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज नंबर 25, होमवर्क में ऑब्जेक्टिव 5, एमसीक्यू 9, और सम का नाम है बच्चों हिंद ट्रांसपोर्ट, ठीक है? अब लास्ट में बच्चों जब भी टाइम मिलता है हम लेते हैं कुछ कुछ एमसीक्यूज। हिंद ट्रांसपोर्ट कंपनी पजेसिस फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, पहले व्हीकल्स है, नीचे टन है बच्चों, पेज घुमा रहा हूं मैं, ईच व्हीकल कंप्लीट 5 ट्रिप्स, वहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, राउंड ट्रिप कर दो, 5 राउंड ट्रिप्स, इन ईच ट्रिप व्हीकल रन्स फॉर 10 किलोमीटर, ईच व्हीकल कैरीज गुड्स 80% ऑफ द कैपेसिटी, एवरेज 10 व्हीकल्स आर इन रिपेयर, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स आर डन फॉर 28 डेज, कैलकुलेट मंथली 10 किलोमीटर। अब बच्चों जब भी 10 किलोमीटर काउंट करना हो तो 10 किलोमीटर का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इनटू कैपेसिटी इनटू ट्रिप्स इनटू डेज। चलो अब बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले डिस्टेंस, ईच व्हीकल कंप्लीट 5 ट्रिप्स, रन फॉर 10 किलोमीटर, किलोमीटर कितने लोग बच्चों 10, कैपेसिटी ढूंढनी है, ट्रिप्स 5 राउंड ट्रिप्स, हो प्रिंटिंग मिस्टेक, 5 राउंड ट्रिप का मीनिंग 10 ट्रिप्स, और डेज 28 डेज। अब बच्चों थोड़ी जगह छोड़ी, यहाँ मुझे चाहिए टोटल कैपेसिटी इन टन, जिसके लिए बच्चों मेरे पास पहले टेबल है, पहली लाइन में व्हीकल है इनटू टन, इतने टोटल टन मिलेगा, पहले में 10 व्हीकल 2 टन माल 20, दूसरे में 5 व्हीकल 6 टन माल 30, तीसरे में 20 व्हीकल 5 टन माल 100, टोटल आई थिंक 150 टन, एकदम सही है बच्चों। अब 150 टन कैपेसिटी में से 80% माल जाता है, 150 टन का 80% लोगे तो 120 आएगा, जैसे बच्चों लिखा मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 10 × 120 × 10 × 28, वैल्यू आएगी 336,000,
जैसे आपने 3,36,000 टन किलोमीटर ढूंढे बच्चों, मेरा ध्यान जा रहा है सम की लास्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 26 सेकंड लाइन, एवरेज 10% व्हीकल रिपेयरिंग डेली। अब मैंने को रोज 10% व्हीकल रिपेयरिंग मारे तो रोड पे कितने चलते होंगे, 90% ले लो। जैसे इसका 90% लोगे, एक्चुअल टन किलोमीटर आएगा 3,02,400। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% में से 10% रिपेयरिंग में रहते हैं। यस, ये आंसर चेक करो। जैसे आप आंसर देखोगे बच्चों, आंसर आ जाता है ऑब्जेक्टिव 11। मोस्ट टाइम भी कर दो बच्चों, एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। ये आ चुका है गुजरात यूनिवर्सिटी 13-15 और इसके जैसा बच्चों सेम एमसीक्यू है 27 नंबर, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव 10 भी आप होमवर्क में कर सकते हो। मैं रीडिंग करूं बच्चों, बहुत ही प्यारा और छोटा एमसीक्यू है जिससे आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। चलो बच्चों नज़र अंडर एमसीक्यू नंबर, यस अब मैं लेने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव नंबर 11। द फॉलोइंग डिटेल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रकार ट्रांसपोर्ट कंपनी, फाइंड आउट टोटल टन किलोमीटर। नीचे टोटल किलोमीटर है 2200, नंबर ऑफ ट्रिप है 40, टोटल लोड है 320। अब सेम आपको काउंट करना है बच्चों, टोटल टन किलोमीटर, तुरंत आपके माइंड में बाजू का फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस इनटू कैपेसिटी इनटू ट्रिप्स इनटू डेज, वो नहीं था पर ये टोटल किलोमीटर आप है बच्चों 2200। बराबर ध्यान से देखना, अब किलोमीटर 2200 है तो पहले किलोमीटर तो आपने लिख दिए 2200 इनटू, अब आपको चाहिए टन, क्या चाहिए यहाँ टन। अब टन में क्या दिक्कत है बच्चों, तो आप देख सकते हो टोटल लोड कैरिड इन ए टन है 320। जनरली आप ऐसा लिखते हो तो इसमें आप एक बार जो है 120 टन एक बार गाड़ी में जाने का माल लिखते हो, उसकी जगह पे यहाँ टोटल ट्रिप है 40 और 320 टन या अपवादित समय, तो इसमें टन लेने होता है, ऐसे ही गिनना पड़ेगा 320 टोटल टन डिवाइड बाय 40 ट्रिप। जैसे आप इसे डिवाइड करोगे 2200 इंटू 8 टन आएगा, ठीक है, ये बराबर ध्यान रखना 2200 इंटू 8 टन, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 17,600 टन किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। फरी जो टोटल किलोमीटर 2200, एक बार जवाना नहीं आप टोटल आप सामें टोटल टन आप 320 40 ट्रिप थी भागो एक ट्रिप ना 8 टन 2200 × 8 17,600 हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस एकदम सही है। चलो उसके बाद है बच्चों मेरे पास ऑब्जेक्टिव 13, इलुस्ट्रेशन 14, पेज नंबर 27। भगवती ट्रैवल एज अ 5 buses बिटवीन 2 cities मैसण अहमदाबाद, व्हीकल्स रन 75 km, मेक्स 2 round trips, द सिंगल कैपेसिटी 56 seats, ऑन एवरेज 80% ऑक्यूपेंसी इज गिवन, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल, एवरेज पैसेंजर कैरिड, पैसेंजर किलोमीटर ऑफ जर्नी इन विच बस वॉज लेट डाउन फॉर 6 days फॉर रिपेयरिंग। चलो सबसे पहले बच्चों पैसेंजर किलोमीटर में आंसर मांगा ऐसा लग रहा है, फॉर्मूला होगा डिस्टेंस कैपेसिटी ट्रिप्स अने डेज। चलो सबसे पहले डिस्टेंस मुझे दिख रहा है 75 किलोमीटर, सिटिंग कैपेसिटी 56 पैसेंजर है, उसका 80% बैठते हैं, 56 का 80%, तो पैसेंजर आएंगे बच्चों मेरे पास 44.80। ट्रिप्स, अब यहाँ ट्रिप्स में ही कार्य करिए बच्चों, यहाँ ट्रिप्स कितने लोग हैं, 2 round trip बोला है, 2 round trip का मीनिंग 4 trip, और डेज जनवरी का महीना है बच्चों, तीसरे पॉइंट में बोला, और जनवरी में 6 दिन रिपेयरिंग में रहती है, तो गाड़ी चलती कितनी होगी, तो जनवरी में 31 में से 6 गए तो आई थिंक 25 दिन, यस 75 44.8 इंटू 4 इंटू 25 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से पैसेंजर किलोमीटर आएंगे 16,80,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों सीधा आपका आंसर नंबर 3 आ गया, देख लो मैं फिर से देख लो बच्चों, 75 इंटू 44.80 इंटू 4 इंटू 25, 75 इंटू 44.80 इंटू 4 इंटू 25, यस कुछ गड़बड़ है बच्चों, मैं चेकिंग कर लेता हूँ, यस
अभी भी बच्चों कुछ रह गया लगता है। यस, और मेरा ध्यान जरा आगे, फाइव बसेस। तो यहाँ बच्चों फाइव बस को मल्टीप्लाई करना रह गया था। अब बच्चों 3,36,000 को मैं 5 बस से मल्टीप्लाई करूँ, 16,80,000 आ गया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस गिनना हो बच्चों तो आंसर नंबर 2, डिस्टेंस यानी किलोमीटर। बोलो कितने किलोमीटर हुआ है टोटल? तो ओनली किलोमीटर, डिस्टेंस यानी ओनली किलोमीटर, वो गिनना हो तो बच्चों पैसेंजर निकाल दो। 75 इंटू 4 ट्रिप इंटू 25 इंटू 5 बस करोगे तो ओनली किलोमीटर आएगा 37,500। अने आंसर 2 बच्चों, ये हो गया आंसर 1, आंसर 2, एवरेज पैसेंजर 56 का 80% लोगे तो आएगा 44.80। ये हो गए बच्चों आपके 3 धमाकेदार आउटस्टैंडिंग MCQs। एकदम आराम से देखिए बच्चों, 2 बार वीडियो देखिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत बार यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका सबसे इजी टॉपिक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट में बच्चों मैं आपको कुछ और क्वेश्चन इसके ऑप्शन में आते हैं हॉस्पिटल कॉस्टिंग के करवाऊंगा। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड को अच्छी तरह उपयोग कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।